माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जस्मीत के साथ के आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनिया मुश्किलात जो है आसान फरमाए और सेहत तो तंदुरुस्ती वाली जिंदगी जो है अता फरमाए। आज हम बनाने वाले हैं फूल गोभी और चावल की एक मजेदार सी रेसिपी। तो आइए देखते हैं कि आज की हमारी रेसिपी जो है किस तरह तैयार होगी और उसके लिए हमें किन किन अज़ा की जरूरत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अभी हम आए हैं गोभी के खेत में, यहाँ से ले लेंगे खूबसूरत सी फ्रेश सी और ताज़ा सी फूल गोभी। एक तो आपको फूल गोभी के खेत का विजिट करवाते हैं और दूसरा यहाँ से फूल गोभी के फूल जो है वो ले लेते हैं। फूल गोभी के खेत में फूल जो है गोभी के ढूंढ के निकालना पड़ते हैं, क्योंकि सारे पौधे जो है यकसा तैयार नहीं होते, कोई थोड़े लेट होते हैं, कोई जल्दी हो जाते हैं। तो हमें वो फूल चाहिए जो बिल्कुल तैयार है। जैसा कि ये फूल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। चावल हम शुरू में ही धो के भिगो लेंगे। चावलों के लिए पतीला भी हम बड़ा और नया लेके आए हैं, तो इसके गिर्द लगा लेंगे मट्टी। मट्टी लगाने से ज़रा ये फ़ायदा हो जाता है कि जल्दी धुल जाता है और साफ़ हो जाता है।
सबसे पहले हम गोभी के फूल को उबाल लेंगे। गोभी के साथ शामिल कर लेंगे थोड़ा नमक, पतीले को ऊपर से ढांप देंगे और गोभी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। फूल गोभी के उबलने तक हम बाकी चीज़ें जो है वो भी साथ साथ तैयार कर लेते हैं। काट लेते हैं प्याज, थोड़ी सी ज़रूरत है हरी मिर्च की, हरी मिर्च भी काट लेंगे। थोड़ा मिर्च का पेस्ट भी हमें चाहिए, वो भी तैयार कर लेते हैं। अभी हम गोभी के ऊपर लगाने के लिए पेस्ट तैयार कर लेंगे और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा मैदा। मैदे के साथ शामिल कर लेंगे नमक, माशाल्लाह गोभी हमारी उबल गई है। अभी हम पतीले को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और गोभी को पतीले में से निकाल लेंगे। गोभी को पतीले में से निकालने के बाद ठंडा होने देंगे और उतनी देर में पेस्ट जो है वो बाकी चीज़ें डाल के तैयार कर लेते हैं। धनिया पाउडर, मिक्स गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ हम शामिल कर लेंगे कुटी हुई हरी मिर्च। चटू में डाल लेंगे थोड़ा सा पानी, खंगाल के मैदे के साथ बाउल में डाल लेंगे। अभी इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। गोभी के फूलों के ऊपर लगाने के लिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया। पेस्ट जो है वो हम थोड़ा नरम ही रखेंगे। अभी चलते हैं अगले मरहले की तरफ, कढ़ाई को रख लेंगे चूल्हे पे। कढ़ाई में डाल लेंगे ऑयल, गोभी के फूल ठंडे हो गए हैं, पेस्ट हमारा तैयार हो गया, ऑयल को हमने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया और अभी फूल गोभी को फ्राई करेंगे और फ्राई किस तरह करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। गोभी के ऊपर लगा लेंगे पेस्ट जो हमने तैयार किया था, नरम इसलिए रखा था ताकि सारी गोभी के गिर्द अच्छी तरह लग जाए। इस तरह सारे फूल के गिर्द पेस्ट लगाने के बाद अभी हम इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। गोभी को फ्राई करते हुए ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियाना सा गर्म होगा तो फूल जो है इसके अंदर रख देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा गोभी का फूल जो है वो ऊपर से जल्दी पक जाएगा और अंदर इसके पानी रह जाएगा, इसलिए हल्की आँच पर बनाएंगे तो अंदर से पानी जो है वो भी खुश्क हो जाएगा। गोभी के फूल को एक साइड से थोड़ी देर के लिए पका लिया और अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर जो है इसके ऊपर आया। अभी दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पकने देंगे इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह गोभी का हमारा ये फूल जो है वो तैयार हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसके ऊपर आया है माशाल्लाह। इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरह गोभी के बाकी फूल जो है उनके ऊपर भी पहले पेस्ट लगाएंगे। गोभी के फूल के ऊपर पेस्ट जो है वो हम भर भर के लगाएंगे, अच्छी तरह लगाएंगे ताकि इसके इर्द गिर्द चिपक जाए।
तो ले जी हमारे आखिरी गोभी के फूल जो है वो भी तैयार हो गए। कढ़ाई को उतार लेंगे चूल्हे से नीचे, अभी पतीले को रखेंगे चूल्हे पे और पुलाव की तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। पतीले में डाल लेंगे ऑयल, ऑयल गर्म हो गया, ऑयल के साथ पतीले में शामिल कर लेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए और अभी हम प्याज के साथ शामिल कर लेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। पानी शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढाँप देंगे ताकि प्याज का कलर जो वो अच्छी तरह निकल आए। प्याज का कलर निकल आया, अभी हम पतीले में डाल लेंगे जीरा। और साथ में डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च और जीरे की प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे। ये वाला डेढ़ बॉल हमारे चावल थे और डेढ़ बॉल ही हम पानी शामिल कर रहे हैं। पानी शामिल करने के बाद नमक शामिल कर लेंगे और साथ ही डाल लेंगे हरी मिर्च। पतीले को ऊपर से डांप देंगे और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी में उबाल आना शुरू हो गया, अभी हम पतीले में डालेंगे चावल। बिस्मिल्लाह। चावल डालने के बाद एक दफ़ा चावलों को हिलाएंगे। चावल डालने के बाद अभी पतीले को ऊपर से डाल देंगे और चावल में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। चावलों में उबाल आ गया, चावलों को एक दफ़ा हिलाएंगे। चावलों में से पानी जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और अभी हम चावलों के ऊपर रख लेंगे गोभी के फूल। भाप काफ़ी है, गोभी के फूल रखने के बाद देगचे को दोबारा से ऊपर से डाम देंगे और नीचे से आग बंद कर देंगे। और कोयले की आंच पे पुलाव को तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रहने देंगे। पुलाव को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अभी हम पुलाव का दम खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पुलाव हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है और चावल भी निखरे निखरे से। अभी देखते को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और अभी पुलाव को डिश आउट कर लेंगे। सबसे पहले निकाल लेंगे गोभी के फूल जो कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नरम हो गए हैं, इनको रखेंगे साइड पे और इतने नरम हो गए हैं कि यूँ लगता है कि उठाते ही टूट जाएंगे। तो माशाल्लाह हमारा फूल गोभी पुलाव का प्लेटर जो है वो तैयार हो गया और अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाह।
बाइट बनाने के लिए गोभी का एक पीस लेंगे, साथ में लेंगे चावल। बिस्मिल्लाह। हाँ जी अब जी, फूल गोभी पुलाव कैसा तैयार हुआ? माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है। हाँ जी असद साहब, माशाल्लाह बहुत मज़े का है गोभी, लेकिन फील जो है वो बकरे वाली आ रही है माशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।